बात प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बता दिया था जब इस चैप्टर शुरू हुआ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन एलोज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर्स। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तथा तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। यानी वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा? इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज नाउ कंपनीज कैन हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट पीरियड। श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण अब कंपनियां छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें नाउ द कंपनीज कैन हायर द वर्कर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनियां मजदूरों को अनुबंध पर काम पर रख सकती है। थर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनी के लिए मजदूरों की लागत में कमी आती है। ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।